स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आज़मी लाइव पर। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार टूर कर रहा हूं, लगातार अलग अलग फुटबॉल क्लब में जा रहा हूं, जहां मैं सीनियर फुटबॉल क्लब के यानी सीनियर फुटबॉल खिलाड़ियों से बातचीत कर रहा हूं, ज़मीनी सतह पर बात कर रहा हूं। वहीं पर मैं जूनियर स्तर पर यानी जो नई पौध है यानी जो शुरुआत अभी फुटबॉल की जिन्होंने की है या युवा पौध है या यूँ कहें कि जो आने वाला कल है भारत का फुटबॉल का, उनसे रूबरू कराता हूँ। पिछले वीडियो में देखे होंगे आपने जहाँ मैंने कई बड़े स्तर के खिलाड़ियों से बातचीत आपको दिखाई है, मैंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष उसके सेक्रेटरी तमाम लोगों से बातचीत कराई, बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों से आपके रूबरू कराए। वहीं आज मैं आया हूँ आज़मगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में अमिलो फुटबॉल क्लब अमिलो। जी हाँ, अमिलो एक ऐसा गांव है जहाँ बनारसी साड़ियों का बड़े स्तर पर कारोबार काम किया जाता है। यहाँ पावर लूम है, लूम है और भी तरह के यहाँ कारोबार है, लेकिन बेसिक जो मेन काम है वो यहाँ पर बनारसी साड़ियाँ बनाने का काम है। उन्हीं के बच्चे ये हैं जो आज फुटबॉल खेलते हैं, जो आपके सामने लाइनअप नज़र आ रहे हैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। काहे फुटबॉल खेल रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई करने की उम्र है 12 साल 13 साल 10 साल 8 साल के बच्चे हैं। आइए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मिलते हैं अमिलो फुटबॉल क्लब के कप्तान से। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुरेश। बताएं ज़रा अपने क्लब के बारे में। वही अभी ये तो देख ही रहे हैं, सबके घर में वही लूम वाला काम हो रहा है और मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं अब इन लोग का शौक है? हर तरफ तो क्रिकेट हो रहा है। नहीं तो इन लोग का शौक है, मैं देख रहा हूँ बहुत तैयारी के साथ। ये एक खेत है जहाँ पर आप लोग खेल रहे हैं, तो कैसे ये दिमाग में आया क्लब बना के? कब से क्लब बना है? क्लब तो बहुत पहले से बना था, लेकिन ग्राउंड भी बहुत मिला, लेकिन अब ग्राउंड नहीं है, ये प्राइवेट ज़मीन है। क्या अमिलो में ग्राउंड नहीं है? अमिलो में कहीं पे भी ग्राउंड नहीं है। अच्छा। अब यही ग्राउंड है तो मस्जिद बन रही है, तो उसका भी मतलब गिट्टी बालू वगैरह ये सब इसी में है, और बरसात में तो एकदम ख़राब हो जाता है, मतलब खेलने लायक ही नहीं रहता, तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, दरअसल ये ज़मीन किसी का खेत है, खेती फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ बच्चों ने जगह पाई है, यहाँ पर फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है। हकीकत में यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ पर फुटबॉल खेला जा सके। आइए, क्या नाम है? अब्दुल नाफे। अपने बाप का नाम बताओ, फादर का नाम क्या है? नफीसुर रहमान। कब से फुटबॉल खेल रहे हो? 2 साल से। नाफे कहाँ फुटबॉल खेल रहे हो यार, कुछ और कर लो? मैं तो बहुत शौक है फुटबॉल खेलने का। बहुत शौक है? यह कैसा लगता है खेल के? बहुत मज़ा आता है खेलने में। क्या करते हो? पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? अलपरवेज में। अलपरवेज कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। तो होमवर्क मिलता होगा, काम मिलता होगा, ट्यूशन वगैरह सब कुछ, फिर फुटबॉल में कैसे टाइम मिल जाता? सब टाइम निकाल के आते हैं फुटबॉल खेलने। अब्बा अम्मा मना नहीं कर रहे हैं? नहीं मने, नहीं माना। टूट जाए तब बचा कर खेलते हैं। बचा के खेलते हैं। कहीं गए हो खेलने? हाँ खेलने गए हैं। कहाँ? आज़मगढ़ गए हैं, मऊ गए हैं, मुबारकपुर गए हैं। इतनी दूर दूर जाते हो खेलने? Yeah. छोटे छोटे बच्चे, कितना शौक है देखो, पढ़ाई करते हैं उसके बावजूद खेलते हैं। और ये जो मैं आज़मगढ़ मुबारकपुर मऊ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 40-50 किलोमीटर के कुर्ब जवार में ये बच्चे फुटबॉल खेलने आते हैं। नाम बताओ? मोहम्मद जाहिद। अपने फादर का नाम बताओ? खैरुल बसर। खैरुल बसर के लड़के हो, फुटबॉल खेलते हो, कब से खेल रहे हो? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से फुटबॉल खेल रहे हो? अभी कहाँ फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो? फुटबॉल खेलने में मज़ा आता है। अरे बैट बॉल लेके खेलो, देखो कहाँ विराट कोहली खेलता, कहाँ सचिन तेंदुलकर था, कोई फुटबॉल बड़ा खिलाड़ी तो यहाँ पे है भी नहीं। कैसे खेल रहे हो फुटबॉल? मन चलता है। कहाँ देखे हो फुटबॉल खेलते हुए? बहुत जगह। कहाँ देखे हो कुछ बताओ, कहाँ फुटबॉल खेलते हुए देखे हो? मुबारकपुर, आज़मगढ़ देखे हो? हाँ। और बस मना नहीं कर रहे हैं अभी फुटबॉल मत खेल भाग? नहीं मना नहीं कर रहे हैं। नहीं मना कर रहे हैं, खेल रहे हो? हाँ। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th में। कौन से स्कूल में? जूनियर। जूनियर वहाँ पढ़ते हो? फिर कब पढ़ाई के बाद कब आते हो यहाँ खेलने? 4 बजे। अबे यहाँ हर तरफ ईटा उटा, हर तरफ ज़मीन, कैसी कच्ची ज़मीन है, चोट वोट नहीं लगती है? नहीं। चलो चोट भी लग जाए तो खेल लो। नाम बताओ अपना? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस किसके लड़के हो? अब्दुल रकीब। अच्छा, किस मोहल्ले में? मिलो सही हो? हाँ। फुटबॉल खेल रहे हो? हाँ। कैसा लग रहा फुटबॉल खेल? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई करो फुटबॉल का खेल रहे हो? पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो फुटबॉल और पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो रहा? पढ़ाइया कर फुटबॉल खेल रहे हो, वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, कुछ परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, पढ़ाई का वक्त निकालते हैं। रकीब मना नहीं कर रहे फुटबॉल का खेल रहे हैं? नहीं।
कभी डांटे उठे नहीं डांटे कभी चोट लगी है कहाँ लगी है टूटा उटा कहीं फूटा है टूटा उटा नहीं है अच्छा फुटबॉल खेलते ये बताओ कहाँ आगे खेलते हो बीच में स्ट्राइकर गोल वोल मारते हो या डिफेंस करते हो क्या करते हो फुटबॉल में किनारे से खेलते हैं किनारे से हाँ। मतलब राइट साइड से लेफ्ट साइड से किधर से खेलते हो दाएं से बाएं से दाएं से दाएं से खेलते हो राइट बैक है अपना नाम बताओ असफर तारिक असफर तारिक तारिक मना नहीं कर रहे हैं नहीं नमत लग रहा असफर तारिक तारिक के बेटा हो हैं नहीं कहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कौन सी क्लास में सात सात में साथ में पढ़ो तो कहाँ फुटबॉल खेल पढ़ाई जाके करो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करते हैं खेलने के वक्त खेलते हैं अरे तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो फुटबॉल वुटबॉल खेलते कुछ हो ही पढ़ भी रहे हैं पढ़ भी रहे हैं हाँ। कहाँ गए हो खेलने आजमगढ़ मऊ मुबारकपुर कब से खेल रहे हो फुटबॉल दो चार साल से दो या चार साल से दो साल से दो साल बताओ चार साल दो साल समझ नहीं आ रहा ना कितने साल तक खेल लो कोई खिलाड़ी पसंद है फुटबॉल का हाँ कौन पसंद है एम्बापे बाप रे एम्बापे को पसंद कर रहे हैं सुन रहे हैं दोस्तों यहाँ से दिल्ली से और जो इंडिया से बाहर के दोस्त मुझे देख रहे हैं सुनिए ये छोटे से गांव के बच्चे उत्तर प्रदेश के खेलते फुटबॉल एम्बापे को पसंद करते हैं फॉलो करते हैं कहाँ एम्बापे पसंद है वही पसंद है पसंद है हाँ। वो तो बहुत ज़बरदस्त तेज दौड़ के मारता गोल कैसे मारते हो गोल मारते हो हाँ क्या गोल मारे हो अब तक दो चार हज़ार ये तो नहीं मान सकता मैं खैर जज्बे को आप लोग का हौसला है बहुत ऐसे तरह इसी तरह आगे बढ़ते रहो नाम बताओ अबूसाद अबूसाद जी कब से फुटबॉल खेल रहे दो साल से फुटबॉल खेलो अच्छा लग रहा है जी आपके घर वाले क्या कह रहे हैं कह रहे हैं खेलो पढ़ो पढ़ो करो और क्या काम करते हो पढ़ाई करते हो खेलते हो और कुछ करते होते हो हाँ घर का कोई काम घर का काम भी करते हो पढ़ाई भी करते हो डांट सुनते हो नहीं मारो खाते हो नहीं कहाँ फुटबॉल खेलने जा रहे हो कहते नहीं घर वाले नहीं हैं ये बूट वूट कौन ला के दिया है ये टी शर्ट है ये बूट है पूरा तुम लोग तो ऐसा टीम बनाओ जैसे लग रहा मैं किसी बड़े क्लब में आऊँ कैसे कहाँ से इंतजाम हुआ है हमारे कोच साहब दिए कोच साहब ने जी कौन है कोच आपके मोहम्मद सुरै अच्छा वो तैयारी कराते हैं जी कहाँ कहाँ जाते हो खेलने मऊ आजमगढ़ बनारस घर वाले जाने देते हैं जी वाह भाई नाम बताओ मोहम्मद यासीन बहुत मुस्कुरा रहे बहुत देर से क्या बात है बहुत अच्छा खेलते होगा अब जरा बताओ तो कब से खेल रहे हो फुटबॉल दो साल से और उससे पहले क्या करते थे पढ़ाई करते थे कितनी उम्र है 12 साल उम्र 10 साल की उम्र से फुटबॉल आगे खेलना है ऐसे ही मस्ती में खेल रहे हो आगे खेलना है कभी ऐसा कियो पढ़ाई नहीं कियो घर वाले को कह दिए मेरे पैरों में दर्द है सर में दर्द बुखार है फिर चले आए फुटबॉल खेलने ये सब करते हो नहीं सब नहीं करते हो बहानेबाजी नहीं कर रहे हो नहीं फुटबॉल खेलते हो जी, मज़ा आता है और कोई खिलाड़ी है जो दुनिया का बड़ा खिलाड़ी जिसे पसंद करते हैं कोई एम्बापे रोनाल्डो भी तो है एम्बापे पसंद है चलो अच्छी बात है मेसी भी और भी वर्ल्ड कप देखे हो फुटबॉल का बढ़िया बात है नाम बताओ अपना अब्दुल सऊद कहाँ घर है यहीं यहीं पास पास में अमीलों में है हाँ। अपने बाप का नाम बताओ फादर मोहम्मद जाहिद जाहिद के बेटे हो हाँ। तो जाहिद क्या कर रहे हैं जो बेटा फुटबॉल खेल और बताओ कौन से क्लास में पढ़ रहे हो पाँच में चलो अच्छी तरह पढ़ो अच्छा खेलो और जम के खेलो करियर बनाओ नाम बताओ अमित शाहिद टी शर्ट तो अलग है कहीं अलग आज है क्या बात है धुली नहीं थी क्या आज हैं कि अभी टी शर्ट नहीं लिए हो नहीं लिए अच्छा फुटबॉल खेलते हो कौन से क्लास में पढ़ रहे हो हिफ्ज पढ़ रहे हैं हिफ्ज पढ़ रहे हो हाफ से कुरान है पढ़ाई कर रहे हैं इसके अलावा फुटबॉल खेलते हैं बहुत अच्छी बात है नाम बताओ मोहम्मद अब्दुल्ला सुदैस अब्दुल्ला सुदैस बड़ा टेढ़ा नाम बड़ा भारी नाम है अपने अब्बू का नाम बताओ अताउर रहमान कहाँ घर है भीरा मऊ जिले में तो यहाँ कैसे नानी के वहाँ रहता नानी के वहाँ फुटबॉल खेलने लगे नहीं वहाँ पर रहता हूँ पढ़ता हूँ नानी के वहाँ रहते हो वहीं यहीं पढ़ते हो घर है आपका मऊ जिले में बीरा में फुटबॉल खेलते हो कहाँ है फुटबॉल खेल रहे हो शौक है फुटबॉल खेलना गोल वोल मारते हो मारते हैं कुछ सोचे हो आगे के बारे में फुटबॉल खेल के कुछ बनना कुछ करना कुछ सोचे हो चले ऐसे फुटबॉल खेल रहे हो नहीं सोचे हो करियर बनाना है चलिए बहुत अच्छी बात है नाम बताओ हुज़ैफ़ा आरिफ कब से फुटबॉल खेल रहा है 2 साल से तुम्हारे वालिद का नाम क्या है मोहम्मद आरिफ मना नहीं करते हैं नहीं अम्मा नहीं कहती मस्जिद में फुटबॉल खेले नहीं कहते खेलो हाँ डांटते उड़ते नहीं है नहीं बड़ा ज़बरदस्त टी शर्ट पहनो बड़ी तगड़ी टीम बना भाई देख के बड़ा बहुत अच्छा लग रहा
और नाम बताओ? फैसल अमीन। फैसल अमीन, बताओ फैसल अमीन कितनी उम्र है? 10 11 10 है। 11 है। 11 साल। कितने क्लास में पढ़ रहे हो? 6 में पढ़ रहे हो। कहाँ पढ़ रहे हो? सुल्तान। क्या पूरा नाम स्कूल का बताओ? सुल्तान नेशनल इंटर कॉलेज। फुटबॉल भी खेलते हो? चोट वोट नहीं लग रही? नाकुक नहीं टूट रही कभी? नहीं। कभी पैरों टूटा है? नहीं। बचा के खेला करो। हाँ चलो बढ़िया बात है। नाम बताओ? मोहम्मद आदिक। बताओ थोड़ा अपने बारे में, कहाँ घर है? अमीलो में घर है। कब से फुटबॉल खेल रहे हो? साल भर से। कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? अनोरलू में। तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद ताहिर के बेटे हो? हाँ। फुटबॉल खेलते हो? और कुछ करते हो घर का काम? हो करते हैं। अच्छी बात है, घर वाले मना नहीं कर रहे हैं? चलो खुश रहो। नाम बताओ? मोहम्मद आदिल। बताओ इतने छोटे फुटबॉल खेल रहे हो? हाँ। घर जाकर पढ़ाई करो, चोट लग जाएगी। पढ़ाई भी करते हो और खेलते भी? पढ़ाई भी करते हो, खेलते भी हो, और क्या करते हो? काम भी करते हो। पतंग तंग उड़ाते हो? नहीं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हो। खेतवा में चोट लग जाए बताओ, इधर आ जा कोनो कुत्ता उत्ता काट ले तो? बहुत इधर कुत्ते उत्ते घूमते हैं। दवा कर लेंगे। बाप रे बाप, भाई तुम लोग के हौसला बहुत ज़बरदस्त। अपना नाम बताओ? अहमद नवाज। ये तुम दोनों की टी शर्ट अलग कहाँ है? हम लोग एक में के लिए थे। अबे तो फुटबॉल खेलते तो एक ही टी शर्ट पहन खेलते। खैर तुम लोग का शौक है। बताओ कौन से क्लास में पढ़ते हो? 3। तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? इरशाद बिस्मिल के बेटा हो। फुटबॉल अब्बू क्या करते हैं? अब वो घर बुन करके बेटे हैं ज़्यादातर इसमें जो बच्चे ना, बुन करके बेटे। अपना नाम बताओ? अब्दुल वातिन। बताओ कब से फुटबॉल खेल रहे हो? दो तीन साल पे। उमरिया कितनी तुम्हारी लग रही है? 7-8 साल। कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल हो, चलो बढ़िया, अच्छी बात है, खेलते रहो। दोस्तों मेरा मकसद क्या था इन बच्चों से, आपने सुना होगा, सीखने को कुछ नहीं है लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या है? हौसला इनका है सीखने के लिए। बच्चे पढ़ाई करते, फुटबॉल खेलते। इस गांव में जहां आप देखें, जिसकी ज़मीन आप देखें, जहां पर अच्छी तरह से चलना मुश्किल है, वहां फुटबॉल खेलते हैं। यकीनन चोट लगती होगी ज़रूर, लेकिन खेलते हैं, शौक़ है खेलने का फुटबॉल। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। और गाँव में जैसा कहते हैं कि फुटबॉल खेला नहीं जाता है, यहाँ फुटबॉल है नहीं जो गांव-गांव के इलाके, लेकिन मैंने आपको दिखाया है ऐसी सी ज़मीन से फुटबॉल को दिखाया है जहां पर यकीन तौर पर फुटबॉल खेला जाता। बताओ ज़रा कुछ करना उन्ना है आगे, कुछ सोचे हो? हाँ आगे सोचें, वही सबको इधर अब ग्राउंड तो है नहीं, लेकिन आगे निकालने के लिए सोचें। तो चेयरमैन से कभी कहे हो, यहां के जो चेयरमैन हैं? चेयरमैन से भी कहे नहीं है लेकिन कहेंगे। इन बच्चों को ज़रा लेके जाओ चेयरमैन के पास, कहो भाई बच्चे कहाँ खेलेंगे। और खेलने में भी अच्छे हैं ये जो सब टी शर्ट पहने हैं, ये सब भी मतलब खरीदे नहीं है, अच्छा खेले हैं उसकी वजह से ये सब टी शर्ट मिली है सांसद की तरफ से। अच्छा, ये सांसद की तरफ से टी शर्ट देखो, घूमो ज़रा। जी हाँ, ये सांसद खेल महोत्सव आजमगढ़ में हुआ था। ये बच्चे वहाँ पर खेलने गए थे। सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। वैसे भी निरहुआ के बारे में कहा जा रहा है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और इसी का फल है ये बच्चे उसी से शायद और ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, हौसला इनका बढ़ा हुआ है। दोस्तों इसी तरह की लगातार ज़मीनी जानकारी जब तक मैं उत्तर प्रदेश में हूँ आपको लेकर आता रहूँगा, जहाँ सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत कराऊँगा वहीं पर ऐसे पौधों से भी मुलाकात कराऊँगा जो आने वाला मुस्तकबिल हैं। बातचीत हमारी, रिपोर्ट्स अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।